Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jyoti and today we are going to see how to use eyelash curler. So let's start. So if you can see, my eyelashes are not at the wing. तो अगर उसको वैसे करना है तो आपको eyelash curler को एकदम आपकी skin के पास इसे ऐसे settle कर लें. Settle करने के बाद आप इसे press करें. 2-3 pump करें. अब ये एकदम downward हो चुका है pump. तो अब इसके बाद इसे थोड़ा half way में ले जाकर फिर से pump करें ताकि वो एकदम ऊपर तक आ जाए. तो इसे पहले एकदम बॉटम पे किया, फिर थोड़ा कर्व करके मिडिल पे ऐसे करके पंप करें. तो सी, यू कैन सी द डिफरेंस. अब नाउ दूसरे आईज पे भी एकदम बॉटम पे करें, उसके बाद थोड़ा ऐसे बेंड करके उसके मिडिल पे करें. इफ यू कैन सी, तो हमने आईलैश कर्ल कर चुका है कर्लर से. तो अब हम यूज करेंगे मस्कारा, आई मस्कारा. तो मैं ले रही हूं मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा. तो अब ये यूज करते हैं. बॉटम से टॉप एंड तक So now you can see the result, my eyelashes after using the eyelash curler and the mascara. So now it's visible. And सबसे अच्छा tool means अगर आप makeup कर रहे हैं, आपका eyeliner कहीं पे फैल गया है या फिर लग गया है ऊपर, तो ये सबसे अच्छा tool है, means earbud. वो आप उसे erase कर सकते हैं easily. तो ये है आज का tip. तो ये एक जो आईलैश कर्लर है, बहुत लोग इससे डरते हैं, सोचते हैं कि कहीं लग ना जाए, बट ये नहीं लग सकता क्योंकि आप ही इसे यूज कर रहे हैं. तो अगर आपके स्किन पे ये प्रेशर देगा तो आपको पता चल जाएगा. सो इट्स अ वेरी इजी टूल एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस रिजल्ट. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.